नमस्कार प्रणाम वेलकम ब्रिदिन मूवीज से इस फिल्म का मुहूर्त हुआ है। टाइटल है राम लखन बचाती, इसके निर्देशक डायरेक्टर साहब है हमारे भैया राजीव राय जी और शशिपाल पांडे। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिए अभी जैसे बायस ने बोला ये आपको मॉडर्न रामायण होने वाली है। लॉकडाउन में फर्स्ट घर पर सब लोगों ने रामायण देखा होगा रामानंद सर, तो ये आपको राजीव राय जी की रामायण मिलने वाली है भोजपुरी में, काफी मजा आएगा और साथ में एक रावण भी मिलने वाले हैं। आपने रियल रामायण देखी होगी या कहानी सुनी होगी, तो राम तो हमारी अगली परीक्षा लेते हैं लेकिन निकालते हैं हर परीक्षा से मुझे हनुमान, तो ये हमारे बजरंगी हैं। अच्छा सॉरी आप हाँ, तो एक तो सीता मैया की रक्षा कितने अच्छे से लक्ष्मण ने की, अभी भी आप देख रहे हैं हमारे राम गायब है लक्ष्मण हमारे साथ हैं। तो सीता के कैरेक्टर में कितना चैलेंजिंग क्या तैयारी की आपने? एक ये नाम ही बहुत बड़ा मायने रखता है सीता, ऐसे तो आप देखते हैं कि हमारे बिहार झारखंड या कहीं भी हर गृहिणी को ये सीता और लक्ष्मण रहते हैं, और लेकिन ये सीता जी का जो मान जो हमारे रामायण में पढ़ाया गया है हमें सिखाया जाता है, तो सीता एक टाइटल ही बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और वो चूँकि राजीव जी ने मेरे पर फेथ किया कि मैं सीता का जो रोल है वो भी निभाऊंगी और अच्छा कर पाऊंगी, तो ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल भी है। अदित जी आपके लिए कितना चैलेंजिंग है लखन का किरदार करना? सर हर कैरेक्टर मिले चैलेंजिंग होता है, काफ़ी मज़ा आएगा चैलेंज में, और लखन एक ऐसा अगर हम रामायण की बात करें तो लक्ष्मण एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने ना सुनेखा का ना काटता ना पूरा रामायण बोला, तो सर काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा इस कैरेक्टर को करने में। और मेरी बड़ा जब मैं बचपन में सोचता था कि मैं हीरो बनूंगा तो बड़ा मैं एक फिल्म आती थी सोचा कि मेरी जब मुझे एडवोकेट का कैरेक्टर बड़ा पसंद है, ड्रीम गैट करना एडवोकेट का जो मेरा इसमें कैरेक्टर है तो मुझे मज़ा आने वाला है। रामानंद सागर की रामायण और इस रामायण में क्या विनो दो ले दो, और रामानंद सागर जी की जो रामायण थी वो हमारे रामायण से इंस्पायर थी, उसमें राम भाई बजरंगी राम थे, इसमें राम लखन बजरंगी जो कि बजरंग बली जो थे रियल बोलो तो राम जी के परम अपने भाई से जुड़ गए थे, तो इसमें राम लखन बजरंगी तीनों आपको भाई ही मिलने वाले हैं। मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, भोजपुरी की मेरी शुरुआत बहुत रेयर लोग ही जानते होंगे, और एक फिल्म थी उनकी उसमें मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया था पुरानी बात है, उसके बाद और मैं उनके साथ एक तकरार फिल्म करने जा रहा था, उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया कि यार मेरे उस फिल्म में तुम थे, तो गिरीश जैसे मेरी मेन वहाँ से एक अच्छी पहचान है, काफ़ी अच्छी हेमन बिंग है, अच्छे हैं गार्जियन तुल्य हैं, हाँ मतलब देख रहे हैं मतलब मन में भले ही जो भी पर है गार्जियन छोटे हाँ उम्र में बहुत छोटे हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे गिरीश जी के लिए? एक्चुअली हम लोग बादला के बहुत पुराने दोस्त हैं लेकिन ये मेरी फर्स्ट मूवी होगी गिरीश जी के साथ, और एक यहाँ से जुड़े हुए हैं हम लोग पारिवारिक मतलब अपना एक रिश्ता ही है, लेकिन इसमें प्रोफेशनली जुड़ रहे हैं तो थोड़ा मेरा सौभाग्य कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। प्रिंस जी है, पायस जी है, देव भाई है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देव जी के बारे में ये बोलूँ बहुत सुना है हम उनका अच्छा लगेगा उनके साथ काम करके, पायस एक अच्छी अभिनेत्री है, मेरी फैमिली है, हम पहले भी काम कर चुके हैं साथ में, सो इज अ वेरी गुड गर्ल, एंड सब टीम के मेंबर के साथ मैं मेरे ख्याल से मैं पहली बार जुड़ रही हूँ, और बस पायस के साथ ही पहले से मुझे काम कर चुकी हूँ, तो मेरी एक्साइटमेंट है कि एक अच्छी मतलब फैमिली मूवी बनने वाली है। और आपकी कौन कौन सी फिल्में आने वाली है? अभी तो काफ़ी सारी फिल्में रिलीज पे हैं, इसमें आपको सबसे पहले दूल्हा दुल्हन है और दूल्हा तैयार दुल्हन फरार है, तो काफ़ी कॉमेडी फिल्म है, इसमें मैंने अलग कैरेक्टर काम किया, फिर उसके बाद कच्चा माई माटी के है और रथिया बालम है, 8-9 फिल्में हैं नाम सुनकर या 8-9 फिल्में कंटिन्यू रिलीज पे हैं। वैसे सवाल पूछना चाहिए या नहीं लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, रियल रामायण में जो लक्ष्मण है क्या इस फिल्म में लखन वही रहेंगे? रियल जो रामायण बने थे उसमें
भक्त थे, माता सीता के रोल श्री लक्ष्मण जी, आप इस रोल में कैसे? टाइटल ही ऐसा है, टाइटल से ही नोन है कि ऑफकोर्स भक्ति होंगे और पूरा भक्त कैरेक्टर ही होगा और फिल्म जो है पूरी हमारी पारिवारिक काम जहाँ पूरे पारिवारिक माहौल पे ही होगी, वैसा ही कुछ होने वाला है। हाँ, कुछ मॉडर्न तरीके से आपके सामने पेश किया जाएगा, कुछ फैमिली ड्रामा होगा इसमें, कुछ चीज़ें होंगी जो इंस्पायर उससे होगी, पर प्रेजेंटेशन आज के हिसाब से होगा जो हमारी ऑडियंस को देखने में मजा आएगा। जुड़े रहिए हमारे फिल्म पे, दुआ कीजिए और बस आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है, काफ़ी सारे चीज़ें आने वाली हैं, इंजॉय कीजिए सब। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.